गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर अंजू बेनीवाल, समाज शास्त्र विभाग, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज आप लोगों के सामने जिस विषय पर मैं प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ, उस विषय का टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी समाजीकरण की अवधारणा थी या सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा है, उसी प्रकार से सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है। इसलिए इस अवधारणा को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज कि मनुष्य जो होता है स्वभाव से अराजक होता है और स्वच्छंद होता है, उसे किसी प्रकार का कंट्रोल पसंद नहीं होता। लेकिन अगर हमें समाज में व्यवस्था को बनाए रखना है तो उसके व्यवहार को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है और उसके व्यवहार को समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप बनाना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि समाज के अंदर एक व्यवस्था बनी रहे। तो सामाजिक नियंत्रण जो है वो समाज के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज में एकता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक नियंत्रण को समझाने के लिए समाज का निर्माण जो है वो किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक संबंधों और नियंत्रण की व्यवस्था के द्वारा होता है। सामाजिक संबंध, जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा होगा कि मैकाइवर और पेज ने कहा था कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। तो सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उन संबंधों का निर्माण करने के लिए नियंत्रण की व्यवस्था का होना भी बहुत जरूरी है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो सामाजिक संबंध नहीं बन सकते और सामाजिक संबंध नहीं होंगे तो वहां पर नियंत्रण जो है वो स्थापित नहीं हो सकता। तो दोनों शब्द जो है वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों के बिना समाज के अंदर व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए समाज के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा कि ये जो सामाजिक नियंत्रण की वैज्ञानिक धारणा है, इसका इतिहास लगभग 75 साल पुराना है और सबसे पहले E.A. Ross ने 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण की धारणा की विस्तृत व्याख्या की थी, उसे एक व्यवस्थित और स्वतंत्र रूप से उपयोग किया था। अब सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन जो है उतना ही आवश्यक है जितना कि समाज का अध्ययन। हम लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं, समाज के अध्ययन के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन करना भी जरूरी होता है। इसलिए हम आज के अपने इस विषय के अंदर सामाजिक नियंत्रण का महत्व क्या है वो देखेंगे, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार क्या है, सामाजिक नियंत्रण के अंदर जिन अभिकरणों और साधनों का महत्वपूर्ण उपयोग होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण के जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सोशल कंट्रोल की जॉयसी मेयर की एक डेफिनेशन जो है बहुत ही सटीक है, जो कि सामाजिक नियंत्रण को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और इन्होंने कहा था कि इफ यू डोंट लर्न टू कंट्रोल योर थॉट्स, यू विल नेवर लर्न हाउ टू कंट्रोल योर बिहेवियर। अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण के लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल करें, उसके बाद आपके व्यवहार जो है वो ऑटोमेटिक ही कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। समाजीकरण के दौरान आपने पढ़ा भी था कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके विचारों का विकास होता है, उसे ये समझाया जाता है कि सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे आपको उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, किसी से बात करनी है। तो ये विचार कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में जाते हैं और उन विचारों से उसका बिहेवियर का निर्माण होता है। तो सोशल कंट्रोल जो होता है बेसिकली हमारे सोशल थॉट्स से डेवलप होता है और वो सोशल थॉट्स हमारे सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। E.A. Ross, एडवर्ड रॉस, जिसकी मैंने अभी बात की थी, जिन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र जो होता है उसके अंदर समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों और नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में 1901 में एक डेफिनेशन दी थी। ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। व्यक्ति जिस भी समुदाय में रहता है, जिस भी समाज में रहता है, उस समाज के, उस समुदाय के कुछ नियम कानून कायदे होते हैं और ये सामाजिक नियंत्रण के द्वारा उन नियम कानून कायदों को व्यक्ति को सिखाया जाता है कि वो उनको कैसे फॉलो करे। यानी सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य
करता है। इसके बाद मेकाइवर और पेज की एक फेमस बुक है सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। इस बुक में उन्होंने जो डेफिनेशन दी सामाजिक नियंत्रण की, जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस ढंग से है जिससे कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहती है तथा जिसके द्वारा व्यवस्था परिवर्तनशील संतुलन के रूप में कार्य करती है। उनका कहना था कि समाज जो है ऐसा नहीं होता कि उसमें चेंजेस नहीं होते, उसमें परिवर्तन नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परिवर्तनशील समाज के अंदर व्यक्ति के व्यवहार को इस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है कि समाज में संतुलन बना रहे। तो हमारा बेसिक मोटो जो होता है, उद्देश्य जो होता है सामाजिक नियंत्रण का, वो समाज के अंदर व्यवस्था, संगठन और एकता को बनाए रखना होता है। अब हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर सामाजिक नियंत्रण की महत्व को, सामाजिक नियंत्रण की जो परिभाषाएं थी या सामाजिक नियंत्रण का जो अर्थ था उसको पढ़ा, और अब हम जानना चाहेंगे कि सामाजिक नियंत्रण का महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों हमें लगा कि हमारे समाज के अंदर सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है कि ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का महत्व जो होता है वो सभी समय, काल और परिस्थितियों में रहा है। कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर की सामाजिक नियंत्रण हमें देखने को ना मिला हो। प्लेटो ने कहा था कि समाज की समृद्धि के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। अरस्तु ने कहा था कि नागरिकों की भावनाओं में समानता को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। तो सामाजिक नियंत्रण का महत्व जो है उसको हम नकार नहीं सकते, और समाज में जिस तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं उसके बाद इस नियंत्रण की आवश्यकता और ज्यादा महसूस होती है। आप लोग खुद भी देखते हैं जब रोड पर चलते हैं तो जिस तरह से ट्रैफिक जो होता है वो हैफजड हो जाता है, लोग आपस में गाली गलौज करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, तो आपको एक बार को लगता है कि ट्रैफिक पुलिसमैन होता तो शायद चीजें कंट्रोल्ड होती। तो उस कंडीशन में हमें लगता है कि सामाजिक नियंत्रण जो होता है वो हर जगह पर, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, सब जगह सामाजिक नियंत्रण का महत्व जो हमें दिखाई पड़ता है। इसके महत्व में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सामाजिक संगठन का स्थायित्व। सामाजिक संगठन द्वारा हम लोग सामाजिक संगठन को स्थायी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो सामाजिक संगठन के सदस्य हैं उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जाए। समाज में बहुत सारे संगठन होते हैं जो कि समूहों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जिनका निर्माण होता है, और इसके अंदर व्यक्तियों को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोका जाता है, और इसके साथ साथ वो अपनी इच्छा अनुसार उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते। आप चाहें कि मैं समाज को एक दिन में बदल दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। किसी एक व्यक्ति के चाहने से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। किसी एक व्यक्ति को अगर फ्री छोड़ दिया जाए और वो समाज में अव्यवस्था फैलाने लगे तो सामाजिक नियंत्रण के द्वारा उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। तो सामाजिक संगठन के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता को निरोधित करके उसे उसके व्यवहार करने के तरीके बताए जाते हैं, कुछ नियम कानून बताए जाते हैं, जिससे समाज के अंदर उसके संगठन की अनिश्चितता जो होती है वो कम हो जाती है और स्थायित्व बढ़ जाता है। जैसे ही व्यवहार नियंत्रित हुए, आपकी इच्छाओं पे, आपकी मन मर्जी पे कंट्रोल लगा दिया गया, वैसे ही हमारे सामने ये अनिश्चितता खत्म हो जाएगी कि अब इस संगठन का क्या होगा। तो उस कंडीशन में हम ये मानकर चलेंगे कि सामाजिक नियंत्रण का किसी भी सामाजिक संगठन के स्थायित्व में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा। अगर आप शांति से आज जी रहे हैं, चल रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है लॉज, जो कानून बने गए हैं, जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए, या जो हमारे परंपरागत समाजों के अंदर रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं के द्वारा हमारे व्यवहारों को नियंत्रित किया गया, या जो हमें बचपन से सिखाया गया कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सब चीजों ने हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। ये सामाजिक सुरक्षा शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। आज आप बहुत इजीली मार्केट में मूव कर जाते हैं, किसी दूसरे स्थान पर भी बिना सोचे समझे मूव कर जाते हैं, बिना किसी भय के, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसके लिए कानून बना है। तो वो सुरक्षा की जो भावना है वो सामाजिक नियंत्रण के कारण ही आई है। नेक्स्ट है परंपराओं की रक्षा। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा हमारी परंपराओं की भी रक्षा की जाती है। हम मानते हैं कि बेसिकली परंपराएं होती क्या है,
परंपराएं हमारे दीर्घकालीन अनुभवों पर आधारित होते हैं। जो अनुभवी लोग होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और ये मानते हैं कि ये सारी की सारी चीजें हमारे समाज के लिए बेनिफिशियल हैं। तो जब हम इन चीजों के ऊपर सोचना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ ये चीज सही है, तो धीरे धीरे वो परंपरा का रूप धारण कर लेती है और ये परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। इन परंपराओं में ये बताया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है और समूह कल्याण की भावना इम्पोर्टेंट होती। कई बार होता है कि ये परंपराएं जो होती हैं वो रूढ़ियों का रूप धारण कर लेती हैं तो वह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन आज भी परंपराएं सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। समाज के अंदर सामाजिक नियंत्रण जो होता है परंपराओं के माध्यम से भी स्थापित किया जाता है। इसके बाद आता है समूह में एकता। बेसिकली जब हमें यूनिटी की फीलिंग कब आती है, हमें एक होने का एहसास कब आता है, जब हमें लगता है कि हमारे लिए समान कानून बने हैं। अगर हमें ये लगे कि किसी के साथ में किसी के लिए कुछ अलग कानून बने हैं, किसी के लिए कुछ अलग कानून बने हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम एकता की भावना को फील नहीं कर सकते। तो एकता बेसिकली हमारे व्यवहारों दृष्टिकोणों मनोवृत्तियों में समानता को प्रदर्शित करती है। और जब समान कानून होता है तो समान कानून या समान नियमों से समान दृष्टिकोण का विकास होता है और वो समान दृष्टिकोण समूह में एकता का निर्माण करता है। तो कोई भी ग्रुप के अंदर यूनिटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां पर नियंत्रण के साधन सभी के लिए बराबर हैं, नियम कानून कायदे सबके लिए बराबर बने हुए हैं, इसलिए समूह में एकता का विकास सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है। लास्ट है व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण। इसके अलावा भी सामाजिक नियंत्रण के बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्व थे जिनको मैं यहाँ बात कर रही थी। जब मैंने बात की कि सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत समाज के अंदर व्यवहार करने के कुछ निर्धारित व्यवहार प्रतिमान होते हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपका व्यवहार किस परिस्थिति में कैसा होना चाहिए और ये आपको सिखाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। इसके अंदर मुझे लैंजिस की एक जो कोट है वो याद आती है कि नियंत्रण के कारण ही मनुष्य मानव है, मैन इज ह्यूमन बिकॉज ऑफ सोशल कंट्रोल। अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो मनुष्य पशु के समान होता, वो मानव नहीं होता, एक सोशल बीइंग नहीं बन पाता। इस कंट्रोल के कारण ही वो ये सीखता है कि समाज के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके व्यवहार कैसे होने चाहिए और उन व्यवहारों को नियमित करने के लिए उसको किस तरह से अपने व्यवहार को रेगुलेट करना है, नियंत्रित करना है। तो सामाजिक नियंत्रण के द्वारा न केवल समूह के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को भी नियंत्रित किया जाता है। अतः इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि सामाजिक नियंत्रण के जो महत्व हैं, जैसे सामाजिक संगठन में स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा, परंपराओं की रक्षा, समूह में एकता और व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण, ये सारे के सारे सामाजिक नियंत्रण के महत्व को दर्शाते हैं। अब हम आते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। देखिए सामाजिक नियंत्रण जो होता है, हमने कहा कि समय काल और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है, तो सामाजिक नियंत्रण के अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार बताए। सबसे पहले हम कुले के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकार हैं उसको देखेंगे। कुले ने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में विभाजित किया, एक चेतन सामाजिक नियंत्रण और दूसरा अचेतन सामाजिक नियंत्रण। चेतन सामाजिक नियंत्रण जो होता है वो एक आधुनिक समाज की विशेषता ज्यादा है। वैसे ग्रामीण समाज में भी चेतन सामाजिक नियंत्रण देखने को मिलता है, लेकिन हम आधुनिक समाज के अंदर चेतन सामाजिक नियंत्रण ज्यादा देखते हैं। और इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब व्यवहार करता है तो वो अपने व्यवहार के प्रति सचेत होता है, जागरूक होता है कि जो व्यवहार कर रहा है कहीं गलत तो नहीं कर रहा, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इस चीज की जानकारी उसे होती है। यानी जो व्यवहार वो कर रहा है उसके प्रति वो जागरूक होकर उस व्यवहार को संपादित करता है, उसे सही और गलत का अनुमान उसके अंदर होता है और कोशिश करता है कि उसके व्यवहार में कोई गलती ना हो, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। इस प्रकार का जो नियंत्रण है वो नगरों और महानगरों में ज्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा होता है अपना अचेतन सामाजिक नियंत्रण। जब समाज के सदस्य समाजीकरण के द्वारा मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों इनको आत्मसात करते हैं तो